सरवंशों की प्रोम लैके हाजिर होया है रविदास रहे प्रसन्न। इस प्रोम दे तुहाडा निघा स्वागत, तुहानू बड़े प्यार सत्कार अदब दे नाल जीआं। गुरु प्यारे आओ हाजरियां लवाइए, बड़े प्यार सत्कार नाल हाजिर नाजर करो सतगुरां नू। जय गुरदेव, धन गुरदेव। अज दे इस प्रोम दे सब तो पहले मैं माफ़ी मंग लवां कि अज दा मेरा प्रोग्राम 4 बजे तो लैके 6 बजे तक हुंदा, पर अज सुबह तो लैके तकरीबन 4 बजे तक श्री 108 ब्रह्मलीन संत सरवण दास जी का प्रोग्राम लाइव चल रहा सी, और वह अमृतवाणी रविदासिया कम्यूनिटी सेंटर विच ये प्रोग्राम होने करके तो 1 घंटा मैं नहीं कर सकिया। आप जी तो माफ़ी मंगदा। सो गुरु प्यारियो, ये शब्द मैं लाया ज्यों जो तेरा हुक्म, ये जो संसार है वो हुक्म विच चल रहा, इको ही है हुक्म देन वाला। उन्हूं रब कह लीए, उन्हूं परमात्मा कह लीए, उन्हूं साइंस कह लीए, जो मर्जी कह लीए, सारा सिस्टम विच है। रुत्तां किदां बदलदियां, दिन रात किदां चढ़दे ने, किहदे हुक्म विच चढ़दे ने, सारे उहदे पाणी विच चल रहा सब कुछ। सो जिहड़ा उहदे पाणी विच रहिंदा है ते फिर वह कुदरत नूं भी मन्नदा है, नेचर दे उत्ते भी विश्वास रखदा है। सो आओ मैं ज़्यादा इधर नूं ना तुरां, अज दा कुछ प्रोग्राम काफ़ी गमकीन है क्योंकि कांछी टीवी के उत्ते मैं भावें प्रोग्राम लैके आना, महापुरशां दे भी लैके आना, खुशियां भी लैके आना, पर खुशी ते जाया जा सके जा ना जा सके कोई हर्ज नहीं, पर जदों किसी ते कोई भाणा बीत जाए, कोई आदमी प्राणी कोई समाज का भाईचारे च कोई जीव दुख च है, कोई सट बजी है, कोई गम लगा, कोई शौक आ, कोई विछोड़ा हो गया, इंसानियत के नाते साडा नैतिक तौर पर फर्ज बनता है। बंदा बंदे का दारू भी आप बंदे भावें मोड़ तो नहीं सकते, पर उन्हें बैठ के उहदा दिलासा दे के उहदे दुख नू घटा सकते हैं वे भाई तेरे नाल कल्ले नाल ही नहीं हुई, जे ये चले गया तो आप भी चले जाना, तो वो दर्द बंडाया जाता है। कहिंदे ने वे खुशी च जाइए तो खुशी वधदी है, तो दुख च जाइए तो दुख घटदा है। कांछी टीवी अपना निजी फर्ज समझदा होया समाजिक तौर पर नैतिकता तौर पर भाईचारे के तौर पर इंसानियत के तौर पर अपना फर्ज समझदा होया किसी भी प्राणी नू कोई जात पात कोई ऊंच नीच जां कोई बितकरा नहीं, साडे लई सारे प्राणी इको ने। जदों इत्थों प्राणी बिछड़ जांदा है सो उहदे परिवार दे नाल कोई भी समाज है असीं सारे समाज नाल दुख सांझा करदे हां। प्राणी दुनिया में आते ने, कोई आई जाते ने जाई जाते ने, कई की जान पछाण तक भी नहीं होंगी भी कौन आया तो कौन चले गया। कुछ दुनिया च योजे होंगे ने जेडे कोई अपन पैड़ा छड़ जाते ने, कुछ अपने कारनामिया करके, हाँ इतने मैं एक बेनती कर दिया, कुछ चंगे कारनामे कर जाते हैं वो अपन पैड़ा चंगिया छड़ जाते हैं, जो माड़िया करते हैं तो माड़े छड़ जाते हैं। जिमें कातल आए उन्हें फलाने ने इन्ने कतल किए तो उन्होंने जिन्हें कतल किए वो पैड़ा छड़ जाते हैं, फलाने आदमी ने कतल किया, तो कुछ समाज भलाई दे पर उपकार धार्मिक धर्मी काम करते हैं, तो उन्होंने लोग कमेमोरेट करते, उन्होंने चेते उन्हों यादगारा मनाते हैं। जिदे कि अज अमृतवाणी सेंटर से संत ब्रह्मलीन संत सरवण दास जी ने चेते किया गया कि उन्होंने मानता ले की किया। तो अज मैं एक समाज के बुद्धिजीवी इतिहास के पारखू बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथी, और खास करके मैं एक गल कह लवां कि उस समय जदों कि मैं उन्होंने बिल्कुल नाल नाल तां मैं की कह सकदा भी जदों कि उन्होंने चरणों में असीं उन्होंने सुनिया देखिया काम करदिआं देखिया, ज्योति शर्मे दे लगे भीम पत्रकार का दफ्तर देखिया, आवादपुरे दे विच उन्होंने सैकल ते नीली टोपी पा के जाते देखिया, तो मेरी मुराद है सत्कार जो स्वर्गवासी लेट लाहौरी राम जी बाली, आओ मैं उन्होंने अज शरदा के फुल भेंट करने वास्ते शब्द लाया सी, जो तेरा हुक्म है
ज्यों ज्यों हुक्म है वह वह मनना पैदा। लाहौरी राम बाली जी भावें कि नवें शहर के जम पल ने, पर सानू यह सुभाग प्राप्त होंदा कि इहो जिहे महान लीडर समाज के खैर खुआ दलतों की आवाज़ उठाने वाले बुलंद आवाज उर्दू परसियन मराठी पंजाबी हिंदी दे ज्ञाता काफ़ी खोजी इतिहास के पारखू सानू कुछ दिन पहला छड़ के चले गए। और साड़ी जेकर मुलाकात मैं दसा ये अवधपुर रेंदे सी। जय गुरुदेव जी। धन गुरुदेव महाराज, धन गुरुदेव शौकी जी, की हाल चाल है? कृपा मैं टीवी ते प्रोग्राम दे रहा जी। लाहौरी राम बाली जी का मैं प्रोग्राम ला आया। ठीक है जी, ओके ओके। सो गुरु के प्यारे ए भी राम किशन मेहता जी, इन्हों के भी दादा सौरा जी, इन्हों के नाल चरणदान धड़क जी जिन्होंने इन्होंने काम किया उन्होंने मैं जिक्र करांगा। लाहौरी राम बाली जी काफ़ी लंबी यात्रा उम्र दे विच और बड़ी शुद्ध बुद्ध दे विच अपने विद्वता का इजहार करदिया होया इस फानी संसार नूं छड्ड गए ने। सब तो पहला मैं इस महान बुद्धिजीवी आत्मा नूं अपने वालों अमृतवाणी रविदास कम्युनिटी सेंटर वालों अते कंची टीवी दे सारे पनवक प्रबंधकों वालों शरदा दे फुल पेंट करदा। जो भी इन्हां दे फैन ने, जो इन्हां दे चाहण वाले ने, जिन्हां दे नाल इन्हां ने काम कीता, इत्थे बहुत सारी दुनिया जिन्होंने इन्हों दर्शन किया, इंग्लैंड मेरे सत्कारयोग फकीर चंद चौहान जी, वो भी इन्होंने चंगी तरह, जसल साहब बैठे ने ग्लासगो दे विच मकसूदा वाले, होर इत बहुत सारे ने, झल्ली साहब जी ने, जिन्हें भी है। और मैनू भी क्योंकि बूटा मंडी दे विच साढ़े कोई जमीन का कोई झगड़ा होण करके महल्ले दे विच जो उस वेले इन्होंने मदद की, उस वेले उन्हां तनाट लोगों इन्होंने पछाड़िया तो वो इन्हों की एक आवाज़ होंगी सी और इन्हों का लैक्चर इन्हों की स्पीच दे विच कोई दम हुंदा सी जो तो बोलते सी कील के रख देंदे। बाबा साहब की गल करदे होया, समाज की गल करदे होया, मैं ये सिफतां कर रहा, ये इन्हों दी सिफतां सी, इन्हों की क्वालिटी सी। ये कनेडा भी जाके आए मेरे ख्याल, इत्थे भी आए ने, बड़ बड़िया कौंसलों के बड़े बड़े अहदों के उत्ते जे बड़े बड़े फिलोसफर बैठे ने उन्होंने मुलाकात इंटरव्यू वगैरह बड़िया कीतियां। इन्हां दी विद्वता तो यह पता लगता भी बाबा साहब जी के नाल 47 तो ही, पहले इन्होंने 46 दे ग्रैजुएशन की थी, मैट्रिक पंजाब उस वेले दे पंजाब 47 तो पहले मैट्रिक इन्होंने फस्ट क्लास पंजाब की थी। शौक के लागे छागे इन्होंने किताबां लिखियां और किताबां भी एक नहीं एक जवान विच नहीं, उर्दू परशियन दे स्कॉलर सन, ये उर्दू पंजाबी हिंदी इंग्लिश ते मराठी दे पांच जवानां दे विच इन्हां ने अपना लिटरेचर छापिया ते बाबा साहब जी दे मिशन नूं प्रचारिया। ते जो गरीबां मजलूमां दलतां दे उत्ते कोई अत्याचार हुंदे सी उन्हां दी आवाज़ प्रशासनां तक, प्रशासनां दे कन्नां तक, उन्हां महकमियां तक जिहड़े कि संबंधित महकमे हुंदे सी जिथे किते के अत्याचार हुंदे सी उन्हां दे नाल इन्हां दा काफ़ी वाह पैंदा रहा ते काफ़ी उन्हां दे नाल कानूनी दाव पेच खेड के उन्हां मजलूमां दी मदद करदे रहे ने। सो लाहौरी राम बाली जी जिन्हां दा परिवार पहले तो ही काफ़ी पढ़िया लिखिया, इन्हां दे भाई साहब भी दिल्ली रहिंदे सी जिन्हां दे थ्रू बाबा साहब नूं मिलण दा इन्हां नूं मौका मिलिया। इन्हां दे दिल्ली दे विच भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे विच जर्नलिज्म दी पोस्ट 9-10 साल उत्थे इन्हां ने नौकरी कीती और 28-30 साल इन्होंने जलंधर PNT दे विच नौकरी कीती। ते गुरु दे प्यारे फिर इन्होंने एक अखबार भीम पत्रिका 1958 दे विच शुरू कीती सी, भीम पत्रिका जिहनूं असीं पढ़ते रहे, पंजाबी विच भी, हिंदी विच भी, उर्दू विच भी निकलती रही है ते इंग्लिश विच भी। ते 1965 दे विच इन्होंने हिंदी दे विच भीम पत्रिका कढ़ी और इस तरीके नाल
जो भी इन्होंने एक किताब लिखी सी, वो किताब बाबा साहब जी का एक सुपना सी जिन्हों इन्होंने ट्रांसलेट करके वो किताब लिखी। बस वो किताब करके इतने तक इन्हते तकरीबन काफ़ी केस बनाए गए सरकार वालों, इतों तक कि पंजाब सरकार जो बादल सरकार सी इन्हों की लिखी हुई किताब सेंटर गवर्नमेंट ने तो नहीं बैन किया, लेकिन बादल सरकार ने उस किताब उत्ते बैन ला दिता जी कि 500-600 पन्ने की किताब होंगी सी। सो गुरु के प्यारे तकरीबन वो कापी इन्नी प्रचलित हुई पे पहला ही एडिशन उन्हों की 20,000 कॉपी निकल चुकी सी कि उस किताब बहुत बड़ा दम सी। उस दम सी भी जिहड़ा हिंदू समाज के मानवता दे इम्यूनिटी के खिलाफ गल्लां लिखियां हुई ने उन्हां दा खंडन किया होया सी, भी हिंदू समाज के जिहड़े ग्रंथ ने जां जिहड़े इन्हां दे मिथ्यास है उस मिथ्यास का जवाब दिता होया सी। सो गुरु प्यारिओ फिर मैं इस गल नूं जाहर करदा, तुसीं अज देखिआ होणा संत रजिंदर कुमार जी जिन्हां दे सत्कार जो पिता लाल स्वामी लाल जी जिन्हां दे नाल लाहौरी राम बाली दा बीबी मलावी जी 1965-66 दियां जदों जमीन दियां गल्लां होंदियां ते बूटा मंडी जिथे के करतारा राम मढ़ास जी की आड़त होंदी सी, धनू राम मथुरा राम जी की आड़त होंदी सी, मूल राज जी दी उत्थे अपनी आड़त होंदी सी, और उत्थे ही तुलसीदास सेठ गुलाबदास जी दे पुत्रां दियां आड़तां होंदियां सी, उत्थे ही करमचंद हरबलास जी की आड़त होंदी सी, उहदे सामने बाबा स्किन कंपनी होंदी सी, उहदे नाल ही दादू वाले दे घर होंदे, पट्ठे वाले दे घर होंदे सी, उत्थे सामने पंडाल लगते होंगे सी। असी भी छोटे होंगे 12-14 साल के उदो होंगे सी जो असी इन्हां नूं सुनिया करते सी। बीपी मोरिया ने भी असी उत्थे ही सुनिया सी, गायकवाड़ साहब ने भी असी उत्थे ही सुनिया सी, गुरच आर पी उदो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया होंगी सी जिहदे विच एक कारकुन मोढ़ी मोढ़ियां दे मोढ़ी कतार दे विच लीडर होंगे सी, लाहौरी राम बाली जी, प्यारा राम ढैनो वाली और गुरचरण सिंह जी, अनंत राम बद्दड़, चरणदास नताड़क, लाल चंद कमला, दुनीचंद शाहपुरी, ए एक नहीं मैं बहुत सारे नाँ लिखता। बूटा मंडी दे विच दो मैं ग्रुप नहीं कह सकता, दो पार्टियां नाल संबंध सी, एक कांग्रेसी ग्रुप सी, एक आर पी ग्रुप सी। आर पी आई का ग्रुप जिन्ना भी है लखां दे दाते तो पाला हिस्सा जिन्ना भी हैगा, और जिन्हों आप नांगड़ीए कह सकते, कलेर फैमिली ला सकते, रत्तू फैमिली ला सकते हैं, वो सारे ही आर पी आई के नाल संबंध से। इधरों जो मढ़ास जी तो पहले आ जाओ डॉक्टर अंबेडकर स्ट्रीट तो पहले सेठ काला राम, सेठ सुंदर दास जी, सेठ खुशी राम जी, बंता राम जी, हंसराज हजारा राम जी, ये सारे कांग्रेस पार्टी के नाल संबंध से। पर पार्टियां भावें दो सी पर बूटा मंडी दे विच स्टेज हमेशा एक लगती रही, इकट्ठ बड़ा सी, ते बूटा मंडी दे हर प्रोजैक्ट दे उत्ते, हर क्रांति दे उत्ते, हर आवाज दे उत्ते सारा पंजाब नाल तुर पैंदा सी। इन्ना एका सी पार्टियां दा कोई मतलब, क्योंकि पार्टियां भावें वक्खरियां वक्खरियां विचार सी लेकिन पिंड करके जां अपना मोहल्ला एक करके बूटा मंडी एक करके सांझ कोई हुंदी सी, भावें कोई आवे लेकिन फुट उत्थे कोई नहीं सी। सो मैं ये बेनती करा लाहौरी राम बाली जी उन्हां दिनां दे विच बसां भरियां पुलिस वालिया ने जिहड़े सत्याग्रह करदे सी, नकोदर चौंक च आउणा डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ते चौंक बाद च बणिया, साइनपाल सिनेमा बाद च बणिया, लाल रतन बाद च बणिया, ज्योति सिनेमा सब तो पुराना हुंदा सी, उहदे नाल ही पुरानियां कचहरियां हुंदियां कचहरियां हुंदियां सी, और उत्थे इक तक हुंदा उत्थे ही SSP दा दफ्तर हुंदा सी, हुण तो सारे मॉल बन गए उत्थे। सो गुरु के प्यारे उत्थे तक आउंदे सी, उत्थों बसां जिहड़ियां को ट्रक साहिब हुंदियां सी, जालियां लगियां हुंदियां, नीली बस होनी ते लाल पट्टी वाली बस, पुरानियां जिहड़ियां पुलिस वालियां पुरानियां बसां मुगलां दे वेले दियां, उहदे विच भर भर के कदी खजूले दी बेंच ते छड्डे आउणा, उह वी असीं समां देख के आया। मैं गल करदा लाहौरी राम बाली जी नूं मैं परसनली तौर पर सुनिया भी है, देखिया भी है, और इन्हों की कारगुजारी, इन्हों की एक्टिविटी समाज प्रति जो कुछ भी है बाबा साहब के मिशन प्रति, तो गुरु के प्यारे उदर भी मैंने याद है जिदन राम प्रकाश जी अबादपुरे का शहीद होया, जिथे बाबा साहब के नाम से डॉक्टर अंबेडकर भवन अबादपुरे बनया है, और उत्थे मेरे ख्याल राम प्रकाश जी उदो शहीद हो गए थे।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 44 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਰੂਹ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਚੀ ਟੀ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਬਾਦਪੁਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਜਪੁਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੋਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਮਲਕੋਤਰਾਣਾ ਬਡਾਲਾ ਬਸਤੀਆਂ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾਮ ਬਸਤੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਅੰਬਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-22 ਜੀਪਾਂ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਬਸਤੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਬਸਤੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾ ਤੋਂ 8-10 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਜਲੂਸ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਆਰਟੀਕਲ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਲਾਹੌਰੀ ਨਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਆਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਥਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਰਾ ਸੁਣਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਓ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਨਾੜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਪਖਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਉਹ ਖਬਰ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਹੁਣ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਿਜਾਵੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਖਾਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮਨੀ ਜੀ ਦਿਖਾਇਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਛ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡੰਡਾ ਪਾ ਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਪੜ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫੈਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਅੱਜ ਪਥਰਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਤਾ, ਦੇ ਤਾ ਮੁੰਡਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਲੀਗਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਆਪਣਾ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਕੀਲ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿੱਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ? ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਗਤਾਰ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਿਠਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁੜੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਕਰਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਅੱਜ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਂ ਦਿੱਤਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਭੱਤੀ ਕੋਟ 'ਤੇ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੱਟ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ, ਕਰ ਲਿਓ ਬੱਚੇ ਪਏ, ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁੱਤੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਏਮਜ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਧਨਾੜ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਧਨਾੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਸਾਥ ਧਨਾੜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧਨਾੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਨਾੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧਨਾੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਨਾੜ ਹੋਵੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
चलो फिर अंदर कैमरे की गलबात करते हैं। चलो असी पुलिस चौकी पथराले विखे पहुंच चुके हैं, थाना संगत जिला बठिंडा। हां जी माता जी, की गलबात होगी अज? तुसी थाने दे विच किस गल करके आए हो? साडा मुंडा कई दिन तो मारता सी, ये बोगे ने ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ FRA ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਸੰਦਦ ਕਰਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕੰਚੀ TV 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 11 ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2011 ਦਾ TV ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 9 ਜੁਲਾਈ 2023 ਹੈ, 9 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਕਾਂਛੀ TV 24 ਘੰਟੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ 6ਵੀਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਾਂਛੀ TV ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਦਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਾਂਛੀ TV ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਾਂਛੀ TV ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਂਛੀ TV ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਾਵਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਰੇਸ਼ਮ ਬੰਗੜ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਲਿਆ, ਟੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 80ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ 5-7 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਜੀ? ਮੈਂ ਚੰਦ ਜੱਸਲ ਬੋਲਦਾ, ਗਲਾਸਕੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੱਸਲ ਜੀ, ਮੇਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ TV 'ਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਜੀ।
सारी जिंदगी इन्होंने कौम की भलाई वास्ते पोलिटिकली तौर पर सोशली तौर पर बहुत कुछ दसिया उन्होंने जी। बाबा साहब के चले जाने तो बाद इन्होंने ग्रुप बनाया जी, समाज सुधार लई सियासी पार्टी भी बनाई जी, ब्रॉडकास्ट फेडरेशन थी, फिर रिपब्लिकन पार्टी बनाई, छे सत जो शुरू होए मन तक उन्होंने कौम लई सोचा, उन्होंने कोई मुल नहीं ले सकया जी, जिदा अज देखते फिरते जी, उन्हां नूं कोई नहीं लै सकिया, बहुत बड़बड़े आए जी। ते इस करके जिंदगी जिहड़ी उन्हें लाई आ कौम दे लेखे लाई आ। धन्नवाद जी जसर साहब, मिशन प्रचार दे लेखे लाई आ। फिर चंगे बहुत तगड़े राइटर सीगे, किताबां बहुत लिखियां, बुलारे बहुत तगड़े सी, बहुत तगड़े बुलारे सीगे। दिसंबर च मैं गया ही निर्माण दिवस से अंबेडकर भवन के पे जड़ी उन्हें स्पीच की, आवाज ओही गड़कदी सी उन्हें जी, पर तुरदे सीगे उन्होंने कोई तोड़दा सी नाल नाल जी, तां तुर हुंदा सी। 90 साल तो उपर उन्हां दी उम्र हो चुकी सी। थैंक यू महाराज, थैंक यू। पहला इंसान वा जिहड़ा साडी कौम दे विच पंजाब दे विच जिन्ने के थे, इस पंजाब दे विच इन्ना उन्होंने कम किया, कोई होर नहीं किया। विश करते हैं कि इदा का कोई होर जाग पवे। धन्यवाद जी, धन्यवाद जसर साहब, मेहरबानी, थैंक यू, मेहरबानी जी। हाँ जी, मैं ये साढ़े मीरचंद जसल जी, इन्होंने भाई साहब जसल जी जड़े अमरीका तो वापस गए ने, अजकल उत्थे ने, उन्होंने नाल भी रोज़ साहब सलाम हुंदी रहिंदी है। सो आओ, ये भी खैर खुआ ने बाबा साहब के मिशन के बहुत निधड़क सेवादार ने। मैं लाओ तो फोटुआ बीबी जी दियाँ, उन्होंने भी बधाई दे दी। आप हुण जिहड़े दुख दे नाल साढ़े सत्कार जो बीबी गुरमीत कौर पंगड़ जी, कल 80 साल दे हो गए, इन्हों खुद नहीं सी पता भी इन्हों सरप्राइज दी जाएगी। बीबी जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, तुहानू हैप्पी बर्थडे टू यू, तुहाडे बच्चियां नू, मुंडियां नू, कुड़ियां नू, नूहां नू, पुत पड़ोतियां नू, दोते दोतियां नू, सारयां नू तुहाडे 80वें जन्म दिहाड़े दियां बहुत बहुत बधाइयां। खास करके तुहाडी पोती जिहड़ी तुहाडे नाल रहिंदी है, जिन्हें ये उद्यम करके सारा काम साढ़े तो करवाया। सो असी अमृतवाणी रविदासिया कम्यूनिटी सेंटर के काफ़ी तगड़े सेवादार बंगड़ परिवार, मेरे सत्कार जो स्वर्गवासी बंगड़ जी, रेशम बंगड़ जी का यह परिवार सारा ही। सो मैं बीबी जी तुहानू बधाई दिना, बंगड़ जी के भी दर्शन कर रहे हैं। सो ये सारे बच्चों कुड़ियों मुड़िया सारे बहुत बहुत बधाई है। ये मैं हूँ एक बेनती, इतने नहीं वीर, एक मिनट ठहरियो, मनी जी आज स्टॉप करो जरा, इतों तक मेरिया बधाइया ने। सो मैं इतने हूँ एक बेनती करा, कि ये ना गल आ जाए कि मैं दुख की जगह पर खुशी वाली गलों, तो खुशी की जगह पर दुख वाली गलां करदा, क्योंकि ये काफ़ी दिनों बाद मेरे को इदा का कोई प्रोग्राम आया, जिस करके मैं आप प्रोग्राम जरूरी आज देना पाया। सो इतों तक मेरी बीबी दियाँ खुशियां तक, बीबी जी तुहानू बधाइया। और इस तो बाद फिर मैं कांची टीवी वालों नूं 6वीं बरसी दियां बधाइया, ते प्रबंधकां नूं बधाइयां। मेरी कामना, मेरी अरदास, जोदड़ी गुरु के चरणों में भी कांची टीवी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हुण मेरे को सिर्फ 7-8 मिनट पए ने, मैं दुख दियां घड़ियां वल जा रहा, उन्हां नूं मैं कुछ अपने वालों कांची टीवी वालों कोई दिलासा दे सकां, और तुहाडा साथ लै के तुसीं दिलासा दिओ, आशीर्वादा दिओ, जिहड़े प्राणी जिहड़े जीव परिवारां चों विछड़ गए ने, आपां उहनां नाल भी दुख सांझा कर लईए। बधाइयां वाला चले गया, हुण मेरी बेनती है कि जिथे लाहौरी रामपाली जी सरताज दित्ती है, उत्थे आ 3 होर रविदासिया कम्यूनिटी दे विच सेवादार जा चुके ने। पर सेवादार कोई भी होवे मैं ये कहना, पर होर भी हुंदा तां मैं उहदा भी नां लै के बेनती करनी सी। पहला क्लिप लाओ बीबी सुमित्री, अजा जिहड़ा भी हैगा ला दिओ, जिहड़ी हुण लाईआं सी। लायो जिहड़ी, हाँ जी इदां रखियो। ये बच्ची
मेरे सत्कार जो बड़े वीर रौनकी राम जी भारद्वाज सरदाने आले सदाने आले बीबी प्रीतम कौर जी भारद्वाज मेरे बड़े भाई साहब जेडे के स्टूडकेंट विच रहिंदे सी एक कुछ साल पहले करोना तो पहले ये दोनों बीबी प्रीतम कौर जी ते रौनकी राम जी चढ़ाई कर गए बदकिस्मती नाल करोना दे विच ही इन्हां दे बड़े जवाई चमन लाल संधु जी वो चढ़ाई कर गए और कुछ दिन पहला चमन लाल संधु जी की रौनकी राम जी की लाडली दोती जिहड़ी कि पाली इन्हां ने सी सानू पता क्योंकि खुद देखते रहे हैं किरण किन्नी जिहनूं असीं सद्दे सी हस्पताल विच काम करदी सी बस अचिंते बाज पए केलां विसरियां चपटा आया काल दा पिया इस बच्ची नूं सांधी परिवार वालों भारद्वाज परिवार वालों संधु परिवार वालों इहनूं खो लिया गया ये बच्ची किन्नी उहदियां फोटोआं दिखाईआं जाण सो ये किन्नी सांधी ये बच्ची कुलवीर उहनां दी भाण जी कुलवीर भारद्वाज जी नीना हुणी सारे मैं उहनां नाल दुख सांझा कर रहे हैं साड़ी ये बच्ची ती नौजवान ती जेड़ी के सानू छड़ के चली गई मैं स्वर्ण बंगड़ जी नाल भी ये साढ़े चमन लाल जी जेड़े के लड़की किन्नी दे पिता जी ये भी कुछ दिन कुछ साल पहला करोना जी चले गए सी संधु साहब चमन लाल संधु जी स्टूडकांड गुरु घर के प्रधान रह चुके ने जनरल सैकटरी भी रह चुके ने सो ये बच्ची का जेड़ा अंतम दर्शन है 15 जुलाई नूं सैचरडे वाले दिन पौने 11 बजे 245 ऑल सेंट रोड बुलहमटन जिहदा पोस्ट कोड हैगा WV21EL सवेर नूं पौने 11 बजे 15 जुलाई सैचरडे वाले दिन 245 ऑल सेंट रोड के उत्ते बुलहमटन चेहरे अंतम दर्शन होंगे 12 बजे सैंडवल वैली न्यू टाउन वैसरोम दे विच इहदे संस्कार किया जाएगा और उस तो बाद 1 बजे वलिंगटन रोड के उत्ते डेरा बाबा गोविंद दास जी टैंपल बिल्सटन वलिंगटन रोड से बिल्सटन WV14 6BQ उत्थे अंतम अरदास होगी तो सहज पाठ के भोग पाए जाएंगे सारे रिश्तेदार बेनती है कि इस बच्ची आखिरी विदायगी देने वास्ते अंतम दर्शन करने वास्ते 15 जुलाई दिन सैचरडे पौने 11 बजे 245 ऑल सेंट रोड से पहुँचो जेकर उत्ते भी किसी समा ना मिले तो फिर 12 बजे सैंडवल वैली दे विच इहदा संस्कार होगा उत्ते भी समा ना मिले तो फिर 1 बजे डेरा बाबा गोविंद दास जी बिल्सटन वलिंगटन रोड के उत्ते उत्थे अंतम अरदास होगी उत्थे पहुँचने की कृपालता करनी अगे जी अगला जी बीबी सो मैं सांधी परिवार सो रामदास जी सांधी अते बीबी तारो सांधी जी दे नाल मैं बहुत बहुत दुख प्रगट करदा और काका तिलोचन सांधी जी जिहड़ा कि किन्नी दा हसबेंड आ और बच्चे दे नाल भी मैं जिहड़ा इहदा छोटा जिहा बच्चा और कैविन स्टीवन जिहड़े कि इहदे भरा ने किन्नी दे साढ़े दोते ने बीबी शिंदो दे चमन दे बच्चे ने उहनां दे परिवारां दे नाल मैं दुख सांझा करदा बीबी शिंदो नानी और माता उहदे नाल भी मैं दुख सांझा करदा सो इहदे नाल भारद्वाज सांधी परिवार संधु परिवार दे नाल साडा दो इह बीबी सुमित्री जी बीबी सुमित्री पौल हीरापुर हेलना सोहन लाल जी का परिवार ये भी हसदे खेडदे परिवार नू विछोड़ा दे गए ने सो गुरु दे प्यारो बीबी सुमित्री जी का जिहड़ा अंतम दर्शन ने 18 जुलाई ट्यूजडे मंगलवार नू 10:30 बजे तो लैके 11:30 बजे तक गुरु रविदास टैंपल जिहड़ा कि अपने 181 डल्ली रोड दे उत्ते उत्थे दर्शन होणगे 12 बजे बुशवरी लेन दे उत्ते इन्हां दा संस्कार होवेगा
और उस तो बाद डेढ़ बजे 181 डल्ली रोड गुरु रविदास टैंपल दे विच अंतम अरदास होवेगी। सो सोहन लाल जी तुहाडे सारे परिवार दे नाल, पॉल परिवार दे नाल, बीबी समित्री दे, साडे रामलवाया बदनाम जी उन्हां दी भी इन्हां दे नाल रिश्तेदारी है, ते मैं इन्हां सारे ही परिवारां दे नाल दुख साझा करदा। बीबी समित्री जी मिठ बोलड़े बड़े ही प्यार नाल, कांछी विच भी जाके बड़ियां तुसीं रौनकां बड़ी सेवा करदे रहे हो। माझ दे चरणां विच अरदासां, तुहानूं सतगुरु जी अपने चरणां विच स्थान देण। ज्योति परिवार के नाल भाणा बीतिया, सतगुरु जी उन्होंने सहन का बल बख्शी कर। अगला जी, ए बीबी ज्ञान कौर पॉल जी, जिन्हां दे हसबैंड का नाम बलदेव पॉल जी। सो ये भी कुछ दिन पहला अकाल चलाना कर गए ने। इन्हां दे भी अंतम दर्शन 14 जुलाई फ्राइडे वाले दिन 10:30 तों लैके 11:30 बजे तक, 11 नंबर है, 11 नंबर पेमब्रोक एवन्यू बुलहम्पटन WB2 2JY, इन्हों का घर है 11 पेमब्रोक एवन्यू बुलहम्पटन WB2 2JY। उत्थे अंतम दर्शन किए जाएंगे बीबी ज्ञान कौर पॉल जी के 10:30 तो लैके 11:30 बजे तक। संस्कार 12:15 बजे बुशवरी लेन के उत्ते अंडर हिल लेन बुलहम्पटन 107JG उत्थे दर्शन उत्थे इन्हां दा संस्कार किया जाएगा। 1:30 बजे जिहड़ी वापसी है संस्कार बुशवरी लेन तो बाद वापसी, जिथे सहज पाठ जी के भोग पैणगे श्री गुरु तेग बहादुर गुरद्वारा 8 अपर विलियर स्टेट WB2 4NP, और उत्थे ए बीबी ज्ञान कौर की अंतम अरदास होगी। गुरु तेग बहादुर 8 गुरद्वारा गुरु तेग बहादुर जी 8 अपर विलियर स्टेट के उत्ते। सो 14 जुलाई फ्राइडे इन्हों का फ्यूनल है। सो फिर अखीर दे उत्ते मैं बेनती करदा कि जो अज दियां उत्थे दियां तस्वीरां जिन्हां नूं सन्मान किया गया अमृतवाणी रविदास कम्युनिटी सेंटर विच महापुरश आए हुए सीगे, गुरदीप गिर जी, रजिंदर प्रसाद, रजिंदर कुमार जी, और सो ब्रिटिश ये साढ़े बीबी गुरमीतो जी की पड़ोती आई सी अमृतवाणी सेंटर विच पिछले साल, तो उन्हें सरोपाव दिता गया सी बीबी जी का बर्थडे, तो वो भी शो की है। तो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। अखीर दे विच गुरु दे प्यारिओ बिछड़िया उन्हों बिछड़िया उन्हें परिवारों के नाल दुख साझा किया जाता, तो अरदास की जाती महाराज जी इन्हां बिछड़े हुए जीवन अपने चरणों की जगह देवे। लाहौरी राम बाली जी सत्कारयोग उन्होंने भी जिथे भी है, और उन्होंने जिंदगी दे विच जो भी उन्होंने किया उहदा फल उन्हां दी जिहड़ी आत्मा नूं पीस मिले। और इस तरीके गुरु के प्यारे अमृत अपने कंछ टीवी देखते रहो, साथ देंदे रहो। 200 पौंड अमृतवाणी रविदास कम्युनिटी सेंटर वालों कंछ टीवी दिए गए हैं, 50 पौंड सत्या चुंबर जी बैसपुरम तो भेज रहे हैं। इन्हों सारों का बहुत बहुत धन्यवाद। 6वीं एनिवर्सरी के उत्ते कंछ टीवी वाले बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।